ले 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 ले, स्वागत है दोस्तों नए दौर के कैंपर्स में। ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का पार्ट 72 है। पहला अपोनेंट स्काउट है, लेवल 11 का प्लेयर है, काफ़ी सोच रहा है। मार्कस की नई स्किन लिया है बउआ ने, कीबो का भी नया स्किन लिया है बउआ ने। मार्कस का एपिक वेपन भी है बउआ के पास, कीबो का भी एपिक वेपन है बउआ के पास। लेवल 9 का मार्कस चुना है उसने दोस्तों, और मैं शेंग ब्रोकन शेंग वाइल्ड अफ्लिक्शन ब्लेड के साथ मैं चुना हूँ। ऑब्वियसली मैक्स लेवल पे है, जन्म सिद्ध अधिकार है ठुचुक ठुचुक कैंपिंग का, क्योंकि भैया एनिमेशन तो चेंज हो गया है। शुरुआत स्काउट एरो से जंप किक के साथ बउआ ने स्पेशल करना चाहा। आहा, बउआ लीजेंड हीरो लिया है दोस्तों। सबास बेटा हैवी भी करता है, पीछे भी जाता है। वाह, ठुचुक ठुचुक। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चतुर का आधा अधूरा जो भाषण था दोस्तों, अरीना का नाम रोशन करेंगे तक हम लोगों ने बोला था। दिखा देंगे सबको जो कैंपिंग करने की क्षमता अरीना के प्लेयर्स में है वो और किसी भी गेम के प्लेयर्स में नहीं। ये लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए दोस्तों, अवार्ड। बहुत जल्दी गेम वापस आ गया दोस्तों, स्कॉर जैरो फिर से घुसा दिया है शेंग ने। ये हैवी कर रहे हैं बउआ, थोड़ा सा वेट करके मैं ये लेना चाहिए था शेडो मूव का टाइमर खत्म होने तक, लेकिन चला ही गया। ओप्स, बैक अटैक कनेक्ट हुआ है बउआ को, स्पेशल किक सॉरी बेसिक किक। अरे भैया कितना हैवी करेगा रे। चलते हैं उसके अगले हीरो की तरफ दोस्तों। ये राउंड जो है 7 मिनट तक चलने वाला है दोस्तों, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस टाइप का कैंपर होगा। कीबो को लेगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट, या जेट पता नहीं। कीबो का टैलेंट देख लीजिए, अनस्टॉपेबल ऑन स्लॉट है, शैडो सुप्रीमेसी है और एजिलिटी है। वाह, कम से कम कीबो के साथ तो ठुचुक ठुचुक नहीं करेगा, एजिलिटी थोड़ा सा फास्ट है कीबो का। नेक्स्ट जेट है दोस्तों शैडो सेल्टर टैलेंट के साथ, और ये नाचती हुई जेट आई है मुजरा करते हुए। मुजरा करते हुए जेट गिर भी गई दोस्तों, साथ में हैवी भी करती है। और यहाँ पे शेंग का जो स्पेशल शैडो कॉम्बोज है वाइल्ड अफ्लिक्शन ब्लेड के साथ। उप्स, पता नहीं दोस्तों यहाँ पे मेरे से हैवी की जगह पे रेंज्ड कैसे हो गया। ये देखिए स्लो मोशन में ठुचुक ठुचुक कैंपिंग दोस्तों। अरे यार गलत टाइम पे मैंने जंप किक किया, नहीं तो फंसा लेता उसको। चलिए ग्रैब करते हैं, या देखिए ग्रैब भी नहीं हुआ। हो क्या रहा है भाई आज पर कंट्रोल के साथ। फिर से मिस हो गया मेरा शैडो कॉम्बो, और यहाँ पे शेंग हार गया है। कोई बात नहीं, लिंग चाचा को लाए दोस्तों पवित्र करने के लिए अरीना को। मंत्र पढ़ देते हैं, ओम पवित्र हो पवित्राहा। अरीना को पवित्र कर दिए है लिंग चाचा ने। काफी टाइम लग रहा है प्रिपेयरिंग द बैटल फील्ड। कल का लाइव स्ट्रीम पे सभी ने मस्ती किया, खूब सबको अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। हेलगा की स्किन तो खैर बोलना ही नहीं है। ये हेलगा का सॉरी जेट का जो हैविक है दोस्तों, रिकवरी उसके बाद बहुत लेट से होता है, और काफ़ी फ़ायदा होता है जेट यूजर को। जेट का पोल डांस भी काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी अनोइंग है जेट यार। सदन ट्रिक घुसा दी है लिंक चाचा ने, फ्लास्क थ्रो। जी हाँ दोस्तों एकदम मुंह पे पड़ा है जेट का, जेट काफ़ी खुश है। बोली है आयरन क्लैड का लॉलीपॉप ना सही तो लिंक चाचा का फ्लास्क थ्रो ही सही, वो भी पवित्र वाला। ये देखे दोस्तों हैवी के बाद जो है ना रिकवरी लेट हो जाता है, ग्रैब कर नहीं पाएंगे क्योंकि शेडो शेल्टर है दोस्तों। हेल्थ पे गौर फरमाइए, लगभग 6500 का हेल्थ लिंक का। खेल खत्म, गुड बाय टाटा। कोई बात नहीं, एम्परर बचा है, पता नहीं क्या होगा दोस्तों।
एम्परर सामने जेट है। मुजरा करते हुए जेट फिर से आई है दोस्तों, फाइट। गजब, लेकिन टैलेंट का लोग फायदा उठाते हैं। एड्रेनालिन रश, साथ में शैडो शिल्डर, ये देखिए दोस्तों अब एक अटैक तो गारंटी है। बेसिक केक, लेकिन शैडो शिल्डर जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों, प्रिसेप्ट ऑफ द लीजन का टैलेंट जो था उससे भी भयंकर टैलेंट है ये शैडो शिल्डर। हैवी की कनेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट एम्परर का आधा से ज़्यादा हेल्थ चला गया दोस्तों, और मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ 6000 से ऊपर की। और यहाँ पे बीस्ट ने अपने घुटनों के नीचे जेट को गिरा दिया है। जेट रो रही है और कह रही है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। एम्परर बोल रहा है मोगैम्बो खुश हुआ। आइए कीबो एजिलिटी के साथ दोस्तों, रेंज वेपन घुसा दिया है। कीबो अभी भी रगड़ रही है अच्छे से, स्लो मोशन में रगड़ रही है। ये देखिए एजिलिटी के साथ रगड़ रही है दोस्तों, गजब रगड़ रही है। ये रगड़ान तो हम लोग ने पहली बार देखा है। आले ले बबा का 1000 कट्स मिस हो गया। बबा का घच घच पड़ेगा, घच 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 घच। कीबो का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया बीस्ट ने दोस्तों नाखून से अपना। मुझे लगता है एक बार और घच घच करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों पब्लिक डिमांड पे घच 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 घच, स्पॉट पे घच घच हुआ है कीबो का दोस्तों। कीबो काफ़ी खुश है। और चलते हैं हम लोग एक और कैंपर की तरफ। राउंड परफेक्ट था एम्परर के लिए। कौन सा कैंपर आएगा? वाह, नेक्स्ट फिर आया है होपलेस दोस्तों। ये बंदा फिर दोबारा आ गया है। इस बार मैं लिंक्स से शुरुआत कर रहा हूँ। जरूर मिडनाइट से शुरुआत करेगा, एपिक वेपन है उसके पास। राउंड वन फाइट। ठुचुक ठुचुक कैंपिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बॉम्ब मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। चलिए बॉम्ब करते हैं साथ में स्पेशल। हैवी भी कनेक्ट हुआ है। एक चीज अभी मैं नोटिस किया दोस्तों, हॉप करने पे ना अब ग्रैब जल्दी नहीं होता है, अपोनेंट जो है ना अटैक कर देते हैं और लगता है मेरा लिंक्स हार जाएगा। हैवी कनेक्ट हुआ है दोस्तों, और शैडो मूव्स, और मेरे ख्याल से ये मिडनाइट खत्म है। जबरदस्त कमबैक दोस्तों। इमोट सेक्शन आप लोग जानते ही दोस्तों मैं कैसा यूज कर रहा हूँ अब, स्पेशली कैंपर्स के लिए, नए दौर के कैंपर्स के लिए नया एसजीजी का स्पेशल। अगली कीबो है दोस्तों, सदर्न ट्रिक, अनस्टॉपेबल ऑनस्लॉट, मास्टर एक्सेलेंस, और शैडो एक्यूरेसी भी लिया बंदे ने। कीबो ने ग्रैब कर दिया, साथ में अप अटैक। और लिंक्स यहाँ पे हार गए दोस्तों, कोई बात नहीं। शैंग को लाना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने एम्परर को चुना है शैंग को, शैंग वर्सेस शैंग में बचाने के लिए। पोएट्री ऑफ मोशन के साथ शहंशाह आए हैं एरिना में। रेंज वेपन कीबो रगड़ते हुए बेसिक अटैक। यहाँ पे एम्परर का स्पेशल किक। Yeah.
एक और स्पेशल, और यहाँ पे बीस्ट का एक्सप्लोजन। और 1000 कट्स लग गया कीबो का, और रगड़ते रगड़ते कीबो हार गई है। उसके आखिरी हीरो की तरफ चलते हैं, हमारे झाड़ू वाले बाबा। सेम टैलेंट यूज कर रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूं शैंक के लिए, फाइट। अरे यार शैडो मूव उसका लग ही गया, मुझे लगा था कनेक्ट नहीं होगा। हैवी कनेक्ट हुआ है, सब कितने अच्छे से डॉच कर लेते दोस्तों। एक बार फिर से शैडो मूव इसका नाकाम किया है हम लोग ने, लेकिन स्कार जैरो का फायदा मिल गया इसे। देखिए दोस्तों सब कुछ पता है लोगों को, कैसे डॉच करना चाहिए कैसे डॉच नहीं करना चाहिए। और जैसा मैं बता रहा हूँ आजकल मुझे ब्लॉक ब्रेक बहुत कम मिलता है दोस्तों, बहुत नाइंसाफी है। और लगता है मेरा एम्परर यहाँ पे हार गया है दोस्तों लगभग। जी हाँ दोस्तों कोई बात नहीं, शेंग वर्सेस शेंग करेंगे, एसजीजी का शेंग वर्सेस झाड़ू वाले बाबा दोस्तों। राउंड 5 प्रिजन सर्वेंट फाइट। स्कॉर जेरो कनेक्ट, जंप के एक साथ में कनेक्ट, उसका शैडो बार आ गया है। चिंता मत करो बोबा, मेरा भी टाइम आएगा। उप्स सोल ग्रिप मेरा मिस हो गया। और लगभग सर्कस मोड करते करते ये झाड़ू वाले बाबा अपनी ड्यूटी पे वापस जाएंगे। ले ले बाबा का उप्स हो गया, बाबा का शैंग भी काम नहीं आया, कीबो तो काम आया ही नहीं। चलते एक और कैंपर की तरफ दोस्तों, और ये है हमारे शेली स्लाइडी डोजो 12 के। शुरुआत मैंने होली के रंग वाले जू से किया है दोस्तों, सोले फिल्म देख के आए हैं खूब होली खेल के। पता नहीं अरीना में इनकी बसंती कौन है। फाइट, वाह उछल भी रहे दोस्तों। ये देखे दोस्तों ये है, क्या ही बोले इसके बारे में हम लोग। शुरुआत में मुझे लगा कि यार ये बंदा लगता है फैन है या जान पहचान का है, लेकिन इसके बाद तो इसका जो असलियत मैं देख रहा हूँ क्या ही बोलूँ। ये देखिए दोस्तों क्या रगड़ी है, ठुचुक ठुचुक। ये सब वैसे ही प्लेयर है दोस्तों जो बोलते हैं आज हम सब कैंपर्स यहाँ हैं, कल और भी गेम्स में फेल जाएंगे, वादा है आपसे, जिस गेम में होंगे वहां ठुचुक ठुचुक करेंगे। ठुचुक ठुचुक करते हुए मुझे ग्रैब कर लिया इसने दोस्तों। चलिए ग्रैब इसे हम लोग करते हैं, हैवी घुसाते हैं और इसको भेजते दरबानी में। इमोट सेक्शन तो आप लोग देख ही रहे दोस्तों, एक से एक बढ़कर इमोट है स्पेशली फॉर ऐसे प्लेयर्स के लिए। नेक्स्ट उसका बड़ा वाला युका जी है या फिर एम्परर पता नहीं, हाँ बड़ी वाली कोई लिया है उसने दोस्तों। पता नहीं क्या सोच के फिर से हेलो कर रहा है दोस्तों, रगड़ते हुए वो भी। ग्रैब करने का मौका दे दिया, yeah.
बार आप अटैक करने दिया नहीं, सर पैटर्न समझ गया दोस्तों। और युका को अच्छा से ड्रैगन वाला आग सुसा दिया होंगजू ने, लेकिन उसने अपना पिल्ला भी फेंक दिया मेरे ऊपर, पिल्ला ने मुझे लपक भी लिया दोस्तों। यहाँ पे जंप किक, थोड़ा सा नज़दीक और रहा था तो फायर क्रैकर भी कनेक्ट होता, उसको ग्रैब करने का मौका, और लगता है मेरा होंगजू यहाँ पे हार गया दोस्तों। कोई बात नहीं, जैक बुलवार को लाते हैं हम लोग नई स्किन के साथ। जैसा टैलेंट्स आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सुपीरियर प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, पूरा डिफेंसिव बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ जैक बुलवार का। फाइट, कितने अच्छे से रगड़ रही है बड़ी वाली हमारी हरीना में, ठुचुक ठुचुक रगड़ान। और यहाँ पे मुंह पे पड़ी है लात दोस्तों, बड़ी वाली काफी खुश है, बोली ऐसा ही स्वागत होना चाहिए मेरा, मैं ऐसे भी कलंक हूँ एरिना में। आप लोग हंस सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अप अटैक, जी हाँ दोस्तों, बड़ी वाली देखिए कितना अच्छे से रो रही है, आंसू टपक रहे हैं बड़ी वाली के, और भी बहुत कुछ टपक रहा है। और आखिरी बीस्ट है दोस्तों, बीस्ट तो बोलेगा मैं बुलवार के सामने आया ही क्यों। बउवा को काफ़ी गुस्सा आ रहा है दोस्तों, इमोट से पता चल रहा है, रगड़ते रगड़ते ये देखिए क्या रगड़ान है दोस्तों, स्लो मोशन की रगड़ान। टेस्ट मैच खेल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, टेस्ट मैच। ये देखिए दोस्तों, हॉप किया लेकिन ग्रैब नहीं कर पाया, जरूर यहाँ पे एक्सप्लोजन का फायदा उठाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत मूव था, अगर अप मूव रहता तो एक्सप्लोजन से बच जाता मैं। यहाँ पे स्पेशल कनेक्ट हुआ है, रेंज वेपन मिस हुआ, एक जी हाँ दोस्तों, और ये ब्लास्ट और ये एम्परर खत्म है। जी हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का नया पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।